Assalamualaikum, welcome back to my channel. तो मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं जा रही हूँ मालवा नगर मार्केट बिकॉज कल हम सब ने जाना एक शादी में और मैंने कपड़े डिसाइड नहीं किए थे. रात डिसाइड किए एक साड़ी निकाली बट बहुत सारा काम इनकम्प्लीट है उसका, ब्लाउज एंड एवरीथिंग. तो मैं वही सब लेने मार्केट जा रही हूँ. बिल्कुल अभी फ्री हुई, आज जुमा भी था तो टाइम नहीं मिल पाया दोपहर, और कुछ 5:30-6 बज रहे हैं. अभी चलते हैं मार्केट. फिर पार्लर का भी काम है, 2-4 पेंडिंग काम है, पर वहाँ से जाके जिम जाना है और फिर सारी रात काम हो गए. बिल्कुल एंड मोमेंट पर मैं अपने काम कंप्लीट कर रही हूँ, तो इस चक्कर में चलते हैं मार्केट लेने, देखते हैं मिलता है कि नहीं, नहीं तो कपड़े ही चेंज करने पड़ेंगे. दिवाली के बाद से भाई एकदम मौसम चेंज हो गया है. मतलब 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और धूप तो देखने को ही नहीं मिल रही, क्योंकि काम करके अपन उठते हैं जब तक जोहर तक, तब तक धूप चली जाती है और शाम को जिम के टाइम निकलो तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है. तो पहुंच चुके हैं हम मार्केट और अभी तक मार्केट में दिवाली की लाइट्स लगी हुई है. एंड ये है वो गली जहाँ पर सारा फैब्रिक मिलता है और ब्लाउजेज़ भी यहीं मिलेंगे. एंड दीज आर द ब्लाउजेज़. तो बहुत सारे ऑप्शन थे, ये बहुत सितारे सितारे वाले थे, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड थे. तो कुछ ऑप्शन थे एकदम प्लेन ब्लाउजेज़ के, तो इनमें से मैंने एक चूज़ किया. और यहाँ पे दुपट्टे भी थे, बहुत प्यारे प्यारे बनारसी दुपट्टे थे एंड 550 तक की रेंज थी. एंड ये दुपट्टा नेट का, ये भी कुछ 450-550 रुपये का था. सो ब्लाउज़ लेके मैं गई थी साड़ी की फॉल लेने, और इस शॉप पर सारी फॉल मिल जाती है और पेटीकोट वगैरह भी. देन आगे जाके मैंने ली थी लटकन ब्लाउज़ में लगाने के लिए, तो ये कुछ ऑप्शन थे जो कि ये वाली लटकन मैंने ली थी, और ये थोड़ा छोटे साइज़ में भी थे और 150 का पेयर मिल गया था मुझे. बाहर जाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो मैं करूँगी नेचर्स की ये ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट से फेशियल अपना. बट उससे पहले स्क्रब जो है मैं वो प्योर सेंस का यूज़ कर रही हूँ. ये फ्रूट स्क्रब है और बहुत अमेजिंग स्क्रब है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ स्क्रबिंग 15-20 मिनट तक अच्छे से. बहुत दिनों बाद आ गई मैं दोबारा से. आज की ताज़ा खबर, जिम करने वाली लड़की 24 घंटे बस पिज्ज़ा बर्गर ही खाती रहती है. देखें आप जरा, इतना झूठ बोल रही है, सुबह से सिर्फ अंडे खाए हुए मैंने. वो होमलेस खापड़ी है और ये अंडे खाए हुए हैं देखो. तो अभी जिम करके आई है शाम को, अभी इनकी ये प्रोटीन चल रहा है. इनके जो वो है ना ट्रेनर, उसे ऐसे वीडियो बना के भेजनी चाहिए कि संभालो. बॉय चिकन खा रही हूँ रोज, बकवास कर रही है. मैं बोलती कब है, इतनी बुरी लग रही हूँ, पतले दर्द पीड़ा यार. ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, व्हाइट सिर्फ स्क्रब किया ना मैंने, येलो आ रही हूँ मैं, ब्लैक भी नहीं येलो आ रही हूँ. मैं खुद फेशियल कर रही थी, तेरे डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा है. और अभी हम सब ब्रह्मास्त्र देखते देखते करूंगी मैं फेशियल. वो डार्क सर्कल ये रुलाती है ना, शर्म तो आती नहीं, इतना मारती नहीं. मेहंदी का इतराया जा रही है बस, मेहंदी क्या लगा ली, इससे अच्छी लगाती हूँ मैं. क्यों होमलेस बनी रहती हो तुम 14 घंटे, क्या पहन रखा है. तो दुपट्टा ही तो पहना हुआ है, ऐसे बैठ ऐसे अच्छी तो मैं लग रही हूँ. पापा की टी शर्ट पहन ली, पापा की नहीं वैसे ही ऐसे रहती हूँ मैं पाजी. हाँ हमारी प्रवासी सुधर गई है बेचारी, बहुत नमाज वमाज बहुत पढ़ती हूँ मैं. हाँ बहुत, मेरी बहन इतनी अच्छी है, तू इतनी अच्छी है बेटा. हो जाए कंपटीशन फिर देख ले, पूछ चलो अब कल पूछिए, तैयार हो गया अभी. हाँ, पूछ रही है कल हमें जरूर, मतलब नहीं मतलब वीडियो के एंड में तो पूछेंगे ही हम, पर अब हो गया चैलेंज हमारा एक्सेप्ट. ठीक है, अब मैं कल ही बताएंगे हम क्या पहनने वाले. बता दिए क्या पहनने वाली हो? नहीं अभी ठीक से नहीं दिखाया. हाँ तो फिर देखते कौन सुंदर लगे. अभी ब्रह्मास्त्र देखनी है यार. मैं भी खाऊंगी. फ्राइज है, बेसिकली गला खराब है मेरा बहुत ज्यादा. हाँ तो ये तो कब भेजी फ्रेंड, ये कहना चाह रही है. हाँ मैं पेप्सी नहीं पीऊंगी, मैं पेप्सी नहीं पीती, पी रही है आजकल. मैंने सब कुछ इसकी वजह से मंगवाया है. इसमें क्या है? ब्राउनी. धोखा? तो धोखा? वो पेप्सी है ना, ये खा रही है, मैं नहीं खा रही. मेरे को बदनाम कर दिया.
तो दूसरा स्टेप था फेशियल मसाज विथ मसाज क्रीम, एंड थर्ड स्टेप वॉज विथ जेल क्रीम, और फोर्थ था हमारा फेस मास्क। और उसके बाद मैंने बनाई एकदम गोल गोल रोटियाँ। लोगों को लगता है मैं रोटी नहीं बना पाती है, खाना नहीं बनाती, और कड़ी अम्मी ने बनाई थी। सो ये दूसरा दिन है और मैं जा रही हूँ रिहान सैलॉन, क्योंकि मेरा स्ट्रेटनर ख़राब हो गया था तो मुझे कर्ल्स कराने थे बेसिकली और थ्रेडिंग, बट हमने ऑप्शन चेंज कर लिया और अब मैं कराऊंगी बीच वेव्स। पूरे गोल्डन लग रहे हैं, नहीं गोल्डन लग रहे, ब्राउन। और टाइम बहुत कम था मेरे पास, बट फिर भी जल्दी जल्दी करवाई लिया मैंने। तो ये कर्ल्स है पहले, अभी इनको खोला नहीं है। सो मैं ये इस टाइम ये बोल रही थी कि इनको ऐसे ही रखती हूँ, पर उसके बाद इनको खोल दिया था ब्रॉड कॉम्ब से, तो इस तरीके से दिखते हैं ये। एंड ये है बीच वेव्स, क्योंकि अच्छी शेप है मेरे बालों के, आगे से छोटे पीछे से लंबे, बट ये बाद में सारे खुल गए तो थे। तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं जो मेकअप वीडियो शूट करने वाली थी वो नहीं करूँगी, मैं फटाफट बस मेकअप कर लेती हूँ अपना, और मेरे बाल वाल सब हो गए हैं, और बस मुझे 5 मिनट में रेडी होना है, देखते हैं कैसा मेकअप टर्न आउट होता है। सो वेट एंड वॉच। एंड आई एम रेडी, और अम्मी ने मुझे सिर्फ 10 मिनट दिया, मैं बस जैसे तैसे मेकअप कर रहा है। सो दिस इज हाउ द मेकअप लुक्स, मतलब फ्लैश लाइट में तो अच्छा ही लग रहा है। मेरा है वो शादी में, तो वहाँ हमारे सारे कजन्स मिल जाएंगे हमें बहुत टाइम बाद। तो ये इस साल के 2022 की पहली शादी है, शादी सीजन स्टार्ट हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे, 2 घंटे हो गए बस ये हरी लाइन वाला। हाँ तो 6 बजे निकलते तब भी इतना ही लगता है, क्योंकि 6 बजे बहुत एक्सट्रीम जाम होता है। तो हम पहुँच गए वेन्यू पे, काफ़ी लंबे जाम में फंसे हुए थे, बट हाँ अब हम आ गए। और यहाँ पे हम दोबारा आए, क्योंकि पहले भी हमारे भाई बहनों की शादी थी सेम वेन्यू पे। अभी आई तो है, अरे सब भाभी ये तो में लग रही है, सही तो लग रही है, जमीन में नहीं लग रही नहीं भाभी। पापा के साथ चलोगे अंदर, मियाँ के साथ? हाँ सच्ची 16 साल। गई है भाभी, एकदम पहचान में नहीं आ रही, माशाल्लाह कह देना सब। फोटो नहीं खींचा भाभी, वीडियो बना रही, वीडियो भाभी में लग रहा है, फोटो खींच रहा है। कह रही आज तो सबको ही विवश करेंगे, आ जा इनो, आ जा मेरे बेटा, आ जा आ जा, हम ना करेंगे। तेनू पुछना है कोई सवाल, वो दस दे खवारिया है किसे दे तू नाल, तू दूरो दूरो जान। नानू से दम भी हो गया इसका, उसे दम कराया जबरन कराया।
बस यही लेना तुम खाते शादी में कड़े हो जाते हैं ना खा ले कैमरामैन बन भी होगा वाली फट गया यार लगा हुआ है गाल पे फट गया मेरे सारी पलटा दे पीछे सारी पलटा दे बकवास कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर लिया कोई अच्छा भी नहीं लगता बात नहीं हो पाती हाँ अपने ऑटोमेटिक आपने अपनी कभी पीठ पे हथौड़ा खाया आपने माथे पे हथौड़ा खाया पीठ पे मैंने बोला फोटोशूट की जगह बता दो मैं बताता हूँ किस यहाँ से इधर से ना छोटा सा रखा है कोई नहीं आया ना ये हमारी फोटोग्राफर है यार किसी का फोटो खींच रही है क्या कहते हैं घर पे भी इसलिए रख रखा है घर पे भी कैमरामैन भाई अनस के साथ उसको बना दे आज का कैमरामैन वर्सेस रिपोर्टर दोनों में वो करवा ले वालेकुम सुन लो तुम्हें कह रही थी ब्लॉग नहीं बनानी आज तो बना रही हो हाँ जाओ तुम भी बड़ी बड़ी में तुम क्या छुपी थी वीडियो बन रही है घर भी नहीं आती हमारे इन्होंने शिकायत कर दूंगी तुम्हारी एक शिकायत पीछे लग गई एक शिकायत साथ चल रही है सब इधर इसको भी दिखा दो वही शादी खत्म हो गई हम जाने वाले सब पापी सबको सलाम कर दो आदाब आदाब तुमने जो पौवा पिलाया वही चढ़ जा रहे हम घर ब्लॉग एंड तो कर दो अच्छा मुझे एंड करना है हाँ करना है हाँ नहीं मुझे नहीं आता ठीक लो भी बता दो बताओ लो कुछ तो बोलो नहीं शर्म आ रही है क्या खाना खा लिया मैं चाह क्या रही हूँ बेटे आ जा मेरा छोटा करना कैमरा क्या बदतमीजी कर रहा है ये बस परेशानी रहती है हो गया ठीक भी नहीं रही है नहीं वैसे भी नहीं हो रहा वो चली गई वो खाना खिला रही है वो गई है खाना खिला रही है ना गुप्पा से कह दिया दोनों लेके खड़ी हूँ दोनों के फोन चुरा के ले जाऊंगा सीरियस टॉक कर रहा इनाया आप आ गए पीछे कौन हूँ मैं बता दो कौन सी वाली कौन आ रहा भाभी जान ये मेरा नहीं मैं नहीं नहीं किसकी जान निकल रही है बड़ी जान आ रहा जान का तुम्हारे हेलो बड़ी जान है हेलो और बाल घर का बाल जी बाल जी बाल छुप आ गया देखो देखो आ नहीं रही सोनम बाजी ठीक करना है सिर्फ तब भी नहीं आ रही लो बाजी लो मैं कह रही क्या मैं इतना बना रही हूँ दादा तूफ़ा कहाँ चली गई अरे वो आदिल का फोटो खींच रही है वहाँ पर
अच्छा मैं सोच रही थी वीडियो लंबा चलना है। बाबू ले लेना बहू बाबू के बहू क्या ले लूँ भाभी बच्चा और क्या देखो मैं कह रही हूँ काम पे बैठे हैं ये जोमेटो के मैनेजर जी हम मैनेज करने बैठे हैं क्या ले लो दे तो दिया कितनी बार लोगे मान जाओ झूठ कम बोलो तो, क्या खींच दू यहाँ आ रही हो क्या जा रही हो जा रही हूँ मेकअप नहीं खराब हुआ तुम्हारा मेरा खराब हो गया खाया नहीं है ना मैं रो रही नहीं मेकअप के लिए आईलैशेस नहीं लगाई देख रही हो अपनी बेटी को तुम इतना खाया है सारी ने कुछ भी नहीं खाया झूठ बोल लिया मतलब पहले से गाल भाया है क्या कह रही थी मैंने बोला कोरोना खत्म हो गया कह रही है इससे धूल मिट्टी नहीं चिपकती ना दुपट्टा सही से उड़ा जाता है हम आ गए हैं यहाँ दरियागंज मोती महल और हम खाने वहाँ से पान पापा लेने गए हैं हम खाएंगे फिर पान ले आई ये ले सो हम आ गए घर पे और मैंने लेंस वेंस भी उतार दिए एंड जैसा मैंने सोचा था मेकअप ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ा मतलब 15 मिनट में बिल्कुल और बाल भी सत्यानाश मतलब जो कर्ल हुए थे वो सारा कर्ल खुल गया मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे हाथ से ही टिकता है वरना मैं जब स्ट्रेटनर से कर्ल करती हूँ ना हीट कर्ल्स तो वो नहीं खुलते हैं एंड कुछ फर्क नहीं लग रहा इतने पैसे भी फूके और सारे बाल सीधे हो गए ऐसे तो नहा के ड्राई करके हो जाते हैं बाकी शादी बहुत अच्छी रही और दूल्हा दुल्हन हमने इसलिए दिखाया सबकी अपनी प्राइवेसी होती है सो बाकी इतने लोग देखे होंगे अपने ब्लॉग में सारे मेरे भाई बहन भाभी भाई जीजू बहुत सारे लोग थे और इतने सालों बाद मिले थे और मन भी नहीं कर रहा था आने का 2 घंटे मुश्किल से हम सब साथ थे और निकल गए क्योंकि काफी दूर था एंड बड़ा मजा आया बहुत मजा आया दिन बन गया और मुझसे साड़ी नहीं संभल रही थी ये थोड़ी बिकॉज एक तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल सा ब्लाउज है जो मैं कल खरीद के लाई हूँ और सिल्क की साड़ी है तो मुझे नहीं पता ये कैसे हैंडल होती है बाकी आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो इंजॉयड दिस वीडियो मेरे घर वालों को तो बहुत ही मजा आएगा इसे देखने में क्योंकि सब है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक माई वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ये तो डेड है बाकी बाय हैव अ टेक केयर